गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल. इससे पहले आई होप ऑल आर फिट एंड हेल्दी. सभी लोग फिट होंगे और हेल्दी होंगे. तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य भूतैर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल. तो सबसे पहले हम योगा जानेंगे कि योगा होता कहाँ है, क्या है और कहाँ से आया है. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज संस्कृत वर्ड यूज वाई यू जे which means to join. According to Patanjali, the meaning of the word yoga is to stabilize the mind for the union of Atma and Paramatma. In simple word, yoga is a way to join God. Agar simply isko dekha jaye, yoga ka Sanskrit word yoga se isko liya gaya hai, yoga ko. और इसका मतलब होता है जॉइन. और अगर पतंजलि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूज का मतलब होता है स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा. यानी कि अपनी आत्मा और परमात्मा को स्टेबलाइज करने के लिए योगा किया जाता है. एंड सिंपल वर्ड योगा इज वे टू जॉइन. यानी कि गॉड के साथ ज्वाइन करना या ईश्वर के शरण में जाना, इसका मतलब होता है योगा. योगा के थ्रू ही हम योग गॉड से मिल सकते हैं या फिर उसके शरण में जा सकते हैं. अगर प्रैक्टिकली वेस पे देखा जाए, योगा इज अ लाइफ साइंस विच डील्स विद द हेल्थ एंड बॉडी एंड हार्मोनी ऑफ माइंड. द मेन पर्पस ऑफ योगा इज टू प्रोवाइड साउंड बॉडी विद द टेंशन फ्री एंड साउंड माइंड. अगर प्रैक्टिकली बेस पर देखें तो योगा एक साइंस है जिसका मतलब होता है अपनी बॉडी हेल्दी रखना, टेंशन फ्री रखना और साउंड माइंड रहना. साउंड माइंड मीन्स एक्टिव माइंड हमेशा रहना. ओके, तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ योगा. सेकेंड टॉपिक इज मीनिंग ऑफ आसन. To sit in a comfortable position for everlasting period of time is called asan. Agar simple definition dekhi jaye to, these are slow stretching exercises to tune up muscles, bring internal development and improve health of individual. Asan is a third step of yoga after yama and niyam. Asan are slow stretching activity in which holding a body posture brings stability of body. yani ki asan ek aisa exercise hai jis ye yoga ka third step hai jisme yama and niyam ke baad ye aata hai. asan slow stretching exercise hai या स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी है जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड में स्टेबिलिटी या इंटरनल डेवलपमेंट होता है. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स. यानी आसन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं. आसन कैन बी प्रिवेंटिव मेजर्स एज दे प्रोवाइड फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन अवॉइडिंग various lifestyle diseases. The following are the benefits of asan for prevention of diseases. यानी आसन करने से आप लोगों को physiological means जो body से relative होते हैं काफ़ी benefits होते हैं और आपकी जो disease है उनको दूर करता है. काफ़ी सारे इस आसन्स को perform करने से benefits मिलते हैं. Then first is bones and joints become strong. By performing regular asan, the bones, cartilage and ligaments
become strong along with this height of children is enhanced. आसन्स परफॉर्म करने से आप लोग अगर रेगुलर आसन्स परफॉर्म करते हैं तो आपके बोन्स कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और इसमें जो अडल्ट सेंस इन्फेंसी एज वाले बच्चे हैं उन लोगों की हाइट भी ग्रो करती है. सेकंड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल बाय परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली. द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज बिकॉज कार्डियक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रॉन्गली एंड इफिशेंटली. ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स प्रॉपर एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइज. यानी कि अगर आप लोग रेगुलर आसन्स परफॉर्म करते हैं तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम्स एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा एंड आप लोग की जो मसल्स हैं या जो हार्ट मसल्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्कआउट करेंगे. आपका ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहेगा अगर आप लोग रेगुलर आसन्स परफॉर्म करते हैं. थर्ड, इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन. आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन एज अ रिजल्ट आवर बॉडी बिकम्स लेस प्रोन टू डिसीज. इम्यून सिस्टम मीन्स जो आप लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करते मीन्स जो आपकी रेजिस्टेंस पावर इम्प्रूव होती है. ओके, जब आपकी रेजिस्टेंस पावर इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग ज़्यादा डिजीज से फाइट कर सकते हैं, वायरस से फाइट कर सकते हैं. आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कि कोरोना उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ प्रॉब्लम या फिर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, उन्हीं लोगों को ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम इफिशेंट बाय परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम इफिशेंट. द वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीजेज अप टू 6000 cc. द साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट ऑल्सो इन्हेंस. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या है, आप लोगों को वाइटल कैपेसिटी मीन्स ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी. यानी कि अगर आप लोग देखा होगा कि आप लोग कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म रेगुलरली करते हैं, जैसे सपोज दैट कोई स्विमिंग स्टूडेंट है या फिर कोई कह सकते लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट है. अगर स्विमिंग स्टूडेंट है तो आप लोग फर्स्ट टाइम जब आप लोग पानी के अंदर या वाटर के अंदर डिप करते हैं तो हो सकता है कि आप लोग 15 सेकेंड या फिर 14 सेकेंड या 10 सेकेंड तक अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं. जब आप लोग रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, तो फिर आप लोग लॉन्ग टाइम तक पानी के अंदर डिप कर सकते हैं. और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव किसके थ्रू हो सकता है, वो हो सकता है आसन्स के थ्रू. आसन्स में कुछ आसन्स रहते हैं जिसमें कपालभाति है, अलोम विलोम है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ एक्सेलरेटरी सिस्टम इन्हेंसेस बाय रेगुलरली परफॉर्मिंग आसन. द एफिशिएंसी ऑफ एक्सेलरेटरी सिस्टम इन्हेंसेस एज अ रिजल्ट. द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा आर एक्सर्टेड क्विकली एंड प्रॉपरली विच इन टर्न हेल्प इन डीलिंग फटिग. आप लोग जो देखते हैं एक्सरेटरी सिस्टम होता है कि आप लोग रेगुलरली अगर परफॉर्म
आसंस करते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट क्या होता है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स है लैक्टिक एसिड है या एसिड फॉस्फेट है यूरिक एसिड है, वो आप लोग उसको क्या कहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्विकली उनको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको प्रॉपर वे में जो आपकी बॉडी को नीड है वही गेन करेगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। जब ऐसा होगा तो आप लोग लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट कर सकते हैं, जल्दी नहीं थकेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज मसल्स बिकम स्ट्रांग बाय परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली, मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रांग, द एफिशिएंसी ऑफ द मसल्स इंक्रीजेस, फैट डज नॉट अक्यूमुलेट इन द बॉडी, इन फैक्ट द अपीयरेंस द बॉडी इन्हेंस द साइज ऑफ द मसल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर रेगुलरली आप लोग आसन्स परफॉर्म करते हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, देन सेकेंड थिंग आपकी मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर फैट भी स्टोर नहीं होगा, देन थर्ड इज आप लोगों का जो मसल्स साइज है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल्स। अगर इसको और अदर डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, ओबेसिटी इज एक्सेस अकुमुलेशन ऑफ फैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बॉडी वेट। इन दिस प्रॉब्लम्स द एक्सेस फैट्स ऑफ बॉडी गेट डिपॉजिट्स अंडर द स्किन, स्पेशली इन एरियाज लाइक एब्डोमन, चेस्ट, शोल्डर, बटक्स एंड लेग्स। यानी कि ओबिसिटी जो होता है वो आपकी अंडर स्किन बॉडी फैट इकट्ठा हो जाता है। जो बॉडी फैट इकट्ठा हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशली जो एरिया होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में भी डिपॉजिट हो सकता है, लाइक एब्डोमन हो गया आपका, चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गया, बटक्स हो गए एंड लेग्स हो गए, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भी ये डिपॉजिट हो सकता है। क्या आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई लोगों का स्टमक निकला हुआ है, कई लोगों का चेस्ट होता है, किसी का शोल्डर्स ज़्यादा होते हैं तो वो फैट वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। एंड इसके सिम्टम्स, अब ओबिसिटी तो आप लोगों को पता पड़ गया कि ओबिसिटी होती क्या है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स इज लॉस फिजिकल एफिशिएंसी। ओके, इसमें आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी आपकी लॉस हो जाती है, जो हेल्दी बॉडी या जो कह सकते हैं जो फैटी बॉडी होती हैं उससे आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज कम कर सकते हैं। देन सेकेंड इज फीलिंग टायर्डनेस वाइल्ड परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि आप लोग जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो, या जो फैटी पर्सन है फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंक्रीज स्वेटिंग मीन्स जरा से आपने फिजिकल एक्टिविटीज की तो आप लोगों को फैट ज़्यादा आता है, यानी जो फैटी पर्सन उनको फैट ज़्यादा आता है। फोर्थ बैक एंड जॉइंट्स पेंस, अब जब आपका स्टमक बाहर निकलेगा या आपकी टमी जब बाहर निकलती है तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। जब स्पाइनल कॉर्ड आपकी सेफ, जब आप स्पाइनल कॉर्ड का सेफ कब चेंज होता है, जब आपका स्टमक बाहर निकलता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने पर क्या होगा कि आपके जॉइंट्स में या बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। लो एंड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और सेल्फ एस्टीम मीन्स आप लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमको करना ही क्या रहता है। जो फैटी पर्सन रहते हैं हमेशा कॉन्फिडेंस का लो रहता है। अब देन थर्ड इज इसका कॉजेस, अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। कॉजेस में जैसे कि आपका जेनेटिक्स कारण, अब एक कारण होता है जेनेटिक्स, अ पर्सन इज मोर लाइकली टू डेवलप ओबेसिटी इफ वन और बोथ पेरेंट्स आर ओबेस। जेनेटिक ऑल्सो अफेक्ट हार्मोन्स इन फैट रेगुलेशन,
मीन्स हो सकता है किसी के पेरेंट्स ज़्यादा फैटी हो या उनके परिवार में कोई ऐसा हो जो फैटी हो, मम्मी पापा कोई भी, तो ये जेनेटिक इफेक्ट भी करता है। देन सेकेंड इज ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग इज वेन द इनटेक ऑफ कैलोरीज इज मच मोर देन वॉट द बॉडी एक्चुअली नीड्स। दिस रिजल्ट इन रेगुलर डिपॉजिट ऑफ अनयूज्ड कैलोरीज कॉजिंग ओबेसिटी। मीन्स अब जब हमारी बॉडी को सपोज दैट कैलोरीज की नीड है 2000 कैलोरीज की, और आप लोग गेन कर रहे हैं 3000, जो 2000 कैलोरीज की जो नीड थी वो तो उसमें अकुमुलेट कर ली, बट जो 1000 कैलोरीज बची हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फैट में। फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग। ईटिंग फ्रिक्वेंटली लीड्स टू डिपॉजिशन ऑफ अनयूज कैलोरी, यानी जो फ्रिक्वेंटली जो फास्ट ईटिंग करते हैं, प्रॉपर च्यूइंग नहीं करते हैं, तो क्या होता है? प्रॉपर च्यूइंग नहीं करते तो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल मीन्स जो ज़्यादा लोग, एल्कोहल कंटेंट्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड पीपल हु ड्रिंक हैवली और आफ्टर ओवरवेट, यानी जो ड्रिंकिंग करते हैं वो क्या होते हैं? फैटी पर्सन होते हैं। इनएक्टिविटी, लुकिंग एट कंप्यूटर टैबलेट एंड फोन स्क्रीन से सेडिनेटरी एक्टिविटीज, द नंबर ऑफ हावर्स यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन इन हाईली एसोसिएटेड विद द वेट गेन, यानी कि आप लोग मोस्टली जो पूरे टाइम कंप्यूटर टैबलेट्स एंड फोन्स में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, बैठे बैठे होने से उनको फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो किस में होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में। ओके ना बेटा। देन नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। जो वेट गेन्स इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सम वुमेन्स फाइंड दिस वेट डिफिकल्टी टू लॉस आफ्टर द बॉडी इज वर्न, यानी कि जो वेट हम लोग प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं वो भी फैट गेन कर सकती हैं, क्योंकि मोस्टली जो उनका फाइंड किया गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनका फैट इंक्रीज हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप और गेटिंग टू मच स्लीप कैन कॉज चेंजेस इन हार्मोन्स दैट इंक्रीज योर एपेटाइट। ओके, यू मे ऑल्सो कर्व फूड्स हाई इन कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन कंट्रीब्यूट टू वेट गेन, यानी जो प्रॉपर स्लीप नहीं करते हैं, जो ज़्यादा स्लीप करते हैं, ये दोनों के लिए ही ऑबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लीप करते हैं तो वो आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और कम जो स्लीप करते हैं तो अगर प्रॉपर वे में स्लीप नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उनकी बॉडी प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे, जो कैलोरीज उनको गेन करनी थी उतना तो गेन करते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में वो लोग खाना खा लेते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बॉडी को जो नीड थी वो तो उनको मिल गई, बट जो बाकी बचा हुआ वो वेस्टेज हो जाता है। ओके, अब द ये तो हो गया, सारी इनके कॉजेज हो गए, सिम्टम्स हो गए ओबेसिटी के, आप उसको प्रॉपर वे में कैसे सही किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे आसन्स हैं जिनके थ्रू हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। ओके, देन फर्स्ट इज वज्रासन। वज्रासन में फर्स्ट इज प्रोसीजर। वज्रासन का प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होता है, तो इट इज अ मेडिटेटिव आसन। नील डाउन ऑन द ग्राउंड विथ योर नीज एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। नाउ प्लेस योर पाम्स ऑफ बोथ हैंड्स ऑन द नीज, द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट। एट दिस टाइम द ब्रीथिंग शुड बी डीप इवन एंड स्लो, यानी कि प्रोसीजर जो वो है, प्रोसीजर में आप लोग सिंपली आप लोग नील डाउन हो जाएंगे, यानी कि अपना पूरा बॉडी वेट एंकल के ऊपर रहेगा। ओके, और आपके नी बेंड रहेंगे, जो हैंड्स की पोजीशन है वो नी के ऊपर रहेगी, और बॉडी शुड बी स्ट्रेट, यानी कि आपका जो बॉडी है, अपर बॉडी है, वो पूरी तरह स्ट्रेट रहेगी, और आपकी ब्रीदिंग है स्लोली
इनहेल एंड एक्सहेल एंड क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करके रखेंगे और ब्रीदिंग को अप एंड डाउन यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ओके, देन बेनिफिट्स। अब इसे करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट इज़ हेल्पफुल फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके माइंड को एकदम कह सकते हैं स्थिर रहेगा या कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ओके, इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग डस्टी बैक पेन एंड चेस्ट डिसीजेज, ये आपका जो क्यूरिंग है, डस्टी मीन्स जो आपसे बॉडी से रिलेटिव जो आपकी डिजीज़ होती है उसको सही करता है। बैक पेन हो रहा है या चेस्ट डिसीज़ होती हैं वो उनसे आप लोग को क्योर कर सकता है। थर्ड इज़ इट इन्हेंसेस मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी आपकी। इट क्योर्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मीन्स क्या होता है कि जो गर्ल्स में मोस्टली जो होता है मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो आपका कोई क्योर कर सकती है, किसी के रुक जाना या फिर बार बार होना, तो उसके से भी इस आसन को परफॉर्म करने से बेनिफिट मिलेगा। इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, यानी कि आपका जो मेंटल प्रेशर है या मेंटल स्ट्रेस है उसको भी कम करता है। इट स्ट्रेंथन्स द पैल्विक मसल्स, जो आपके पैल्विक मीन्स जो आपका बटक्स एरिया होता है, जो मसल्स होती हैं उस मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इट रिमूव्स पोस्टल डिफेक्ट्स, मीन्स पोस्टल डिफेक्ट्स मीन्स आपको जैसे कि कई सारी ऐसी डिजीज वो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर और शेप थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, उसको भी सही करता है। इट प्रिवेंट्स हार्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, अब जो जिसको हार्निया प्रॉब्लम है या पाइल्स हो जाती है उनको भी ओबेसिटी के थ्रू या आसन के थ्रू हम उसको सही कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज अ वज्रासन पोजिशन, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पूरा बॉडी वेट एंकल्स के ऊपर है, हैंड्स आपके आगे की तरफ हैं और बैक शुड बी स्ट्रेट एंड क्लोज योर आइज एंड नॉर्मल ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल एंड चिल जो चिन है वो पैरेलल है एंड चेस्ट ओपन द चेस्ट। ओके, इंगेज द कौन मसल्स, इसमें आप लोग देखिए पोजिशन वज्रासन की करेक्ट पोजिशन मैंने आप लोग को पिक्चर्स के थ्रू बताई और लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया कि वज्रासन के प्रोसीजर क्या होता है एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज़ द बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स भी मैंने उसके बारे में बताए। अब इसको पोज में देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वज्रासन कैसे परफॉर्म करना है। देन थर्ड इज़ कॉन्ट्रा इंटीग्रेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लोग वज्रासन नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज पर्सन सफरिंग विथ क्रॉनिक जॉइंट पेन ऑफ एंकल शुड नॉट परफॉर्म दिस, यानी कि जिन लोगों को जॉइंट्स पेन यानी कि लंबे टाइम से कोई पेन जॉइंट्स पेन हो रहा हो या एंकल में कोई पेन हो रहा हो तो इस आसन को परफॉर्म ना करें क्योंकि इससे और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ओके, ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि वज्रासन कैसे परफॉर्म करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। ओबेसिटी को कम करने के लिए सेकंड आसन है आपका पादहस्तासन। इसमें पादहस्तासन में जो प्रोसीजर है वो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग बेंड फॉरवर्ड until the fingers of palms of the hands touch the floor on either side of the feet, try to touch the knees with the forehead, do not strain, keep the knees straight, exhale while bending forward, try to contract the abdomen in the final positions to expel the maximum amount of air from the lungs। इसमें आप लोग बॉडी को स्लोली स्लोली बैंड करेंगे, पहले आप लोग पूरा जो एयर है उसको एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ बैंड करते जाएंगे। बैंड करने पर उस एयर को जब आपने एक्सहेल किया है फिर उसके बाद इनहेल करके बॉडी को एयर को स्टोर करके रखना है।
स्टोर करने के बाद अपने हेड को नी से टच करना है और फिंगर से कोशिश करें कि आप लोग ज़मीन को टच कर सकें। ओके, दिस इज अ पोजिशन ऑफ पादहस्तासन। आप इसके बेनिफिट्स में बेनिफिट्स हैं इसके, इट मेक्स द बॉडी वेरी फ्लैक्सीबल। इसको परफॉर्म करने से आपकी बॉडी फ्लैक्सीबल हो जाएगी। देन सेकेंड, इट स्ट्रेचेज द लेग एंड बैक मसल्स। इससे आप लेके लेग मसल्स और बैक मसल्स स्ट्रेच होती हैं और आपके मसल्स पावर भी इम्प्रूव होगी। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस बैली फैट। जो बैली के पास जो फैट इकट्ठा होता है वो फैट को भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस आसन के थ्रू। इट मेक्स द स्पाइन फ्लैक्सीबल एंड टोन्स द नर्व्स। यानी कि आपकी स्पाइन फ्लैक्सीबल होगी और मसल्स टोन्स या नर्व्स टोन्स भी आपकी इम्प्रूव होगा। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में वर्कआउट करेगा। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन। यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम है प्रॉपर वे में वर्कआउट करेगा और आप लोग कॉन्स्टिपेशन जिसको प्रॉब्लम्स रहती है, अगर इस आसन को रेगुलर परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है उससे आपको रिलीफ मिले। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप लोग को क्या किस किस पोजिशन या किस जिसको प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स में आप लोग को कहाँ कहाँ परफॉर्म नहीं करना चाहिए, या कह सकते हैं जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको ये आसन परफॉर्म करना नहीं चाहिए। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल्स हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड द आसन। जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम्स रहती है उस आसन को परफॉर्म नहीं करें। इट एटलीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली। दे कैन बेंड देम सेल्फ ओनली एज फार एज कम्फर्टेबल। जिसको लगता है कि वो कम्फर्टली जितना कर सकते हैं उतना ही करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लोग जर्क के साथ बेंड कर रहे हैं और आपको बैक प्रॉब्लम आगे जाके हो जाए। ओके, एंड दिस इज ए प्रोसीजर ऑफ पादहस्तासन। ओके, इट इज़ ए करेक्ट पोजिशन ऑफ पादहस्तासन। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग को मैंने बताया था प्रोसीजर में कि आप लोग को कैसे परफॉर्म करना है। आपको स्लोली एक्सेल करते हुए अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ बैंड करना है। ओके, अब इसमें पोजिशन थोड़ा चेंजेस है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसके हैंड जो पोजिशंस है वो जस्ट फुट के नीचे। आप चाहें तो इतना बैंड नहीं हो पा रहे हैं तो सिंपली अर्थ को टच करने की कोशिश करें या अपने जो फुट का थंब है उसको टच करने की कोशिश करें। ओके, हेड देखिए, आपका हेड जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हेड आपका नीज के पास होना चाहिए और ऑक्सीजन यानी कि स्टोर करके रखना है। जब आप इसको रिलैक्स पोजीशन में आएंगे तो फिर एक्सेल करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। ओके, क्लियर। ये आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आपका पोजीशन भी हो गया, बेनिफिट्स भी हो गए और पिक्चर के थ्रू भी मैंने आप लोग को ये पादहस्तासन बता दिया।